डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के 63वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए। मैं पूरे जननायक जनता पार्टी परिवार की ओर से चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये जरूर कह सकता हूं कि आपका जन्मदिवस हमारे किसी के भी चेहरे पे मायूसी नहीं, खुशियां लाने का काम कर गया। ये भी मौके की बात है, आज मैं सुबह सुबह जब मां से मिलके दिल्ली से चला तो बैठे बैठे बात कर रहे थे कल वाले घटनाक्रम की। अब पुरानी कहावतें कहीं ना कहीं बातों में आ जाती है, कहते दुष्यंत तेर को हटाना था, कहते मर गा तो गई गई खूंटा पाड़ लेगी। और मेरे ख्याल से साथियों मैं एक चीज कह सकता हूं, आज अनूप जी, अमरजीत, रामकरण, इनके किसी के चेहरे पे सिकन नहीं है, खुशी है, क्योंकि ये राजपाठ बापोती नहीं होते, ये जनता की दी हुई ताकत से बनते हैं और जनता मत के अधिकार से ताकत देने का काम करती है। मैं साथियों मेरी साथियों ये जो नारा है, ये जो विचार है, ये जो बात है, दिग्विजय कह रहा था ना 6 महीने का टॉपअप, ये 6 महीने जोश ला दो वो नारा भी पूरा करके ये संगठन दिखा देगा आपको। मुझे एक चीज की हैरानी हुई, ये कई पत्रकार साथी कल का पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं। भाई बीजेपी हमारे सहयोग के साथ 4.5 साल सरकार चलागी नहीं चलागी और आज भी चला रही है। 48 निर्दलीय और बीजेपी के विधायकों के साथ बहुमत विधानसभा में आज भी उनके पास है, मगर 4.5 साल जो हमने सरकार चलाई वो प्रदेश की प्रगति, प्रदेश की उन्नति, प्रदेश की तरक्की, किसान कमेरा, मजदूर कैसे सशक्त हो, इस सोच को आगे लेकर चले। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि अब जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो 6 महीने में हमारे लगाए हुए पौधों को पानी दे दें कि वो फलदार पेड़ पड़ जाए, उनको मारने का काम ना करे। आज मैं हिसार में हूं,
मैं तो सांसद रहा हूं थारा 5 साल। 5 साल के अंदर पार्लियामेंट में जितनी लड़ाई लड़ पाया लड़ी, हिसार लोकसभा का एक हिस्सा उतराना है, मगर अगर योजनाएं प्राथमिकता के तौर पे किसी ने सोची तो पूरे हरियाणा के लिए हमने सोचने का काम किया। आज हिसार एलिवेटेड रोड बनेगा, उसका लाभ पूरे हिसार शहर के वासियों को आएगा। आज हरियाणा का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट हिसार में बन रहा है, उसका फायदा सबको होगा, पूरे हरियाणा के एक एक निवासी को होगा जब यहां से जहाज उड़ेगा। मैं अनेक चीजें, आज मजदूर को 3,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलना हो, ये इसलिए दे पाए कि मजदूरों की सुनने वाले राज में बैठे थे। साथियों 5100 तो नहीं पहुंचा पाए, 3,000 तो पहुंचा दी। चौदह फसलें एमएसपी पर खरीदी, 1,00,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में डाला, ये इसलिए था किसान की सुध लेनी है राज में बैठे थे। मैं कल, हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार है, आजकल शायद किसी चैनल में नहीं है, रवीश जी, उनने विवरण दिया इस घटनाक्रम का, मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि लोग क्या सोच रखते हैं। रवीश जी को मैं जरूर बोलना चाहूंगा, चौधरी देवीलाल जी के जीवन से, उनके असूलों से जननायक जनता पार्टी की विचारधारा को हमने आगे ले जाने का काम किया। और हरियाणा प्रदेश के हित के लिए 4.5 साल उस सरकार में थे, और इनने आखिरी दिन तक चर्चाएं रखी, विश्वास रखा। आपको वो दिन भी याद होगा, 5 साल में एनडीए की एक बैठक हुई, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी गए, मैं गया, और अंत में बिना चर्चा को विराम दिए क्या फैसला किया,